हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बाल विकास में अधिगम का चैप्टर से क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से एक दो तीन सवाल भी कभी कभी पूछ लेता है। चलते हम लोग पहला सवाल से और देखते हैं। पहला सवाल है कि सीखने के अंतर्दृष्टि, पहला सवाल है कि सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को निम्न में से किसने बढ़ावा दिया था। सीखने के जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, इनसाइट थ्योरी, इसको किसने बढ़ावा दिया था, कौन से मनोवैज्ञानिक ने या फिर किसके अनुसार। तो मनोवैज्ञानिक का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, बस उनके सिद्धांत के आधार पर नाम दिया हुआ है। संज्ञानवादी, समाजवादी, गेस्टाल्टवादी और व्यवहारवादी। इसमें से जो अंतर्दृष्टि है, इनसाइट थ्योरी है, जो सूझबूझ का सिद्धांत पे आधारित है, वह सिद्धांत किसने दिया था, तो गेस्टाल्टवादी ने। गेस्टाल्टवादी सबसे पहले हम लोग संज्ञानवादी में देख लेते हैं। तो संज्ञानवादी में जैसे जीन पियाजे का नाम आता है, समाजवादी में वाइगोत्स्की का नाम आता है और गेस्टाल्टवादी में कोहलर का नाम आता है। कोहलर, कोफका और वर्दी मयर तीन मनोवैज्ञानिक हैं। और व्यवहारवादी में जैसे कि वाटसन हो गए और फिर थॉन्डाइक हो गए, स्किनर हो गए, इन सभी मनोवैज्ञानिक को शामिल किया जाता है व्यवहारवादी में। तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी के द्वारा किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। चलते हम लोग दूसरा नंबर सवाल पे और दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। एक बार चारों ऑप्शन यहाँ पे देखिए। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखेंगे। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन आसान इसका आंसर है। सवाल क्या कह रहा है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है, यानी कि जब बिजली गरजता है उसके बाद क्या करता है, राजू उछलता है। पुनः बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज आती है, राजू फिर उछलता है, यानी कि दूसरे बार भी राजू यही काम करता है कि दूसरे बार फिर से जब आवाज सुनता है तो फिर उछलता है। लेकिन कुछ देर शांति के पश्चात बिजली चमकती है और बिजली की चमक देखकर राजू उछलता है, यानी कि यहाँ पे गरजने की आवाज नहीं आती, फिर भी राजू केवल चमक देखकर उछलता है। तो राजू का उछलना निम्न में से किसके सिद्धांत का उदाहरण है या किस सिद्धांत का उदाहरण है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, नैमितिक अनुबंधन या अनुक्रिया उद्दीपन, कौन सा सिद्धांत है। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि राजू पहले उछलता है उसके बाद दूसरे बार फिर उछलता है, लेकिन ये उछल किसके लिए रहा है, क्यों उछल रहा है, क्योंकि वो गरजने की आवाज आ रहा है। लेकिन तीसरे बार क्या करता है कि बिना गरजने की आवाज को केवल चमकते हुए देखता है और फिर से उछलता है, यानी कि वो उसको लगता है कि अब चमकने के बाद बिजली फिर से गरजने वाली है। तो इसके कारण जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत आपका पैवलोव का सिद्धांत, जिन्होंने कुत्ता पे प्रयोग किए थे, तो जो पैवलोव ने बताए थे कि घंटी बजा फिर खाना मिला, फिर घंटी बजा फिर खाना मिला, और इसी प्रकार से घंटी बजते गए और लास्ट में खाना नहीं मिला, तो उस सिद्धांत पर आधारित है। तो वह सिद्धांत जो था वो सिद्धांत कौन सा था, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो आंसर क्या हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन। क्रिया प्रसूत और नैमितिक अनुबंधन ये दोनों सेम है, और ये दोनों किसके द्वारा दिया गया है, तो स्किनर के द्वारा दिया गया है, और अनुक्रिया उद्दीपन ये भी स्किनर के द्वारा दिया गया है। तो आंसर किसके अनुसार हो जाएगा, पैवलोव के अनुसार, और पैवलोव का सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। चलते हम लोग आगे तीसरे नंबर सवाल पे। एक सेकेंड, तीसरा नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है। अधिगम के सिद्धांतों और उनके प्रतिपादकों के जोड़ों में किसका जोड़ा सही नहीं है, यानी कि इसमें मिलान करना है और किसका जोड़ा गलत है, ये पूछ रहा है कि सही नहीं है। पहला है अनुबंधन अनुक्रिया, यहाँ पे ना होगा, अनुबंधन अनुक्रिया, यह सिद्धांत रीड
ऑल फ्रैंक के द्वारा, यानी रीड और फ्रैंक के द्वारा दिया गया है। उद्दीपन अनुक्रिया थोंडाइक के द्वारा, पुनर्बलन का सिद्धांत हल एवं स्किनर के द्वारा, और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर के द्वारा। तो कौन कौन सा सही है, पहले सही पे चलते हैं। जैसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत देखें तो ये कोहलर, कोफ्का और वर्दी मेयर, इसमें दो मनोवैज्ञानिक और आते हैं जिनके में एक का नाम है कोफ्का और एक का नाम है वर्दी मेयर, तो इनके द्वारा दिया गया है, सही है। दूसरा है पुनर्बलन सिद्धांत, सी वाला, हल एवं स्किनर, पहले क्लार्क हल के द्वारा उसके बाद स्किनर के द्वारा, तो ये भी सही है। उद्दीपन अनुक्रिया जिसे हम एस आर थ्योरी कहते हैं, ये एस आर थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है, तो थोंडाइक के द्वारा, तो ये भी सही है। तो आंसर क्या गलत है, ये सी भी सही है, बी भी सही है और डी भी। तो ये है अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत, ये फ्रैंक के द्वारा नहीं दिया गया है, ये आंसर क्या है, गलत है। तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि कौन सा सही नहीं है ये पूछ रखा है, तो ए वाला गलत है, तो ए आंसर इसका सही होगा। चलते हम लोग चार नंबर सवाल, चार नंबर सवाल देखिएगा। सीखने की विशेषता, सीखने की विशेषता है, कहीं कहीं पे इसी को अधिगम की विशेषता पूछता है, अधिगम और सीखना एक ही चैप्टर है, अधिगम की विशेषता है या सीखने की विशेषता है। पहला, सीखना सार्वभौमिक है। दूसरा, सीखना उद्देश्योपूर्ण है। सीखना खोज करना है, उपरोक्त सभी। तो पहला ऑप्शन अगर देखें तो सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल होता है, तो सही है, क्योंकि सीखना यूनिवर्सल होता है, जो चीजें हम यहाँ पे सीख सकते हैं वो कहीं भी सीख सकते हैं, जो चीजें यहाँ गलत है वो हर जगह गलत है, तो आंसर ये वाला सही है। दूसरा, सीखना उद्देश्योपूर्ण प्रक्रिया है, ये भी सही है, क्योंकि बिना उद्देश्य का कोई भी नहीं सीखता, तो सीखना उद्देश्यपूर्ण होता है, तो बी भी सही है। सीखना खोज करना है, यानी नई नई चीजों को खोज करना भी क्या है, सीखना है, तो ये भी क्या है, सही है, तो तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका उपरोक्त सभी सत्य है, डी इसका ऑप्शन सही होगा। हम लोग आगे करेंगे पांच नंबर सवाल, देखिए पांचवा नंबर सवाल कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा ने के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। बंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए हैं, जिन्होंने एक प्रतिरूप के द्वारा सीखने के बारे में बताए थे कि जब कोई जीवित हो या फिर सांकेतिक मॉडल हो, बच्चा उसको देखता और अनुकरण करता हो, उसके द्वारा बच्चा सीखता है। तो अल्बर्ट बंडूरा ने जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिए हैं, इसमें इन्होंने क्या बताए हैं, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। प्रतिरूपण यानी कि इन्होंने प्रतिरूप के बारे में बताए हैं, और प्रतिरूप कहने का मतलब हुआ मॉडल के बारे में। तो लगभग आंसर जो है वो पहला सही है। तो आगे देख लेते हैं, असफलता बच्चों को नुकसान पहुंचा सकता है, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहे हैं। खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए, इन्होंने खेल के बारे में भी कुछ नहीं बताए हैं। संज्ञानात्मक विकास सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं जबकि सामाजिक अधिगम के बारे में बताए हैं, तो इसका आंसर जो है वो ए सही है, क्योंकि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण, प्रतिरूप यानी कि मॉडल एक मुख्य तरीका है, इस आधार पर इन्होंने ये सिद्धांत दिए थे, तो इसका आंसर जो है वो ए सही हो जाएगा। चलेंगे आगे छह नंबर सवाल, छठा सवाल है कि गेस्टाल्टवादियों ने किस पर विशेष बल दिया है। गेस्टाल्टवादी में बार बार हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं, कौन कौन आते हैं, कोहलर का नाम आता है, कोफ्का का नाम आता है, और वर्दी मेयर का नाम आता है, वर्दी मेयर का नाम आता है, तो ये तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, गेस्टाल्टवादी। और ये तीनों ने जो चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे और उस आधार पर जो सिद्धांत दिए थे, वो सिद्धांत का नाम था अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, या सूझबूझ का सिद्धांत, या समझ का सिद्धांत। तो यह जो आंसर दिया हुआ है, ये किस आधार पर विशेष बल दिए हैं, तो इन्होंने विशेष बल दिए हैं प्रत्यक्षीकरण पर, क्योंकि कोई भी समस्या हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हो तो हम उस समस्या का समाधान आसानी से कर लेंगे और वो हमारे पास उसका समाधान ऑटोमेटिक मिल जाएगा। जैसे कि कोहलर को मिला था कि जो चिंपैंजी पे प्रयोग किए थे, तो चिंपैंजी पर जो प्रयोग किया गया था, जो केला रखा गया था उसमें डंडा, तो जो डंडा रखा हुआ था, इस डंडे के सहारा से ये चिंपैंजी जो था वो डंडे के सहारा से केला को अपने ओर खींचा और खा लिया था। तो ये जो डंडे का माइंड में इसका जो काम आया वो अचानक आया, क्योंकि डंडा भी
सामने था, केला भी सामने था। तो इस प्रकार से प्रत्यक्षीकरण पर इन्होंने विशेष बल दिए हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा डी। आगे करते हम लोग 7 नंबर सवाल। चलिए 7 नंबर सवाल, ठीक है। सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितवाद उपागम है। निर्मितवाद समझ रहे होंगे कि किसी भी चीजों का निर्माण करना, नए नए चीजों को बनाना। पहला है कि छात्र जो नवीन सूचना यदि पूर्व ज्ञान से जिसे वह मानता हो से विरोधाभासी हो तथा उसे नहीं सीखता। दूसरा, छात्र जो शिक्षक का इंतजार करता है कि वह उसे विशिष्ट प्रकरण के बारे में उसके पूर्व ज्ञान की जानकारी लेकर नवीन सूचना को देना। तीसरा है, छात्र जो नवीन सूचना को बार बार दोहराकर याद करता है। ऑप्शन याद करने वाला ऑप्शन हमेशा गलत होता है, तो हम सी ऑप्शन के तो ऐसे ही गलत काट देंगे। चौथा नंबर देखते हैं। चौथा कह रहा है कि छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से विश्लेषण करता है, व्याख्या करता और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है। तो यहाँ पे निर्मितवाद मतलब निर्माण करना। तो इसका अगर चौथा ऑप्शन को हम ध्यान से देखें तो छात्र जो नवीन सूचना की विस्तार से, नवीन सूचना यानी कि जो नया ज्ञान है उसका विश्लेषण करता है और पूर्व ज्ञान से जोड़कर सीखता है, यानी पूर्व ज्ञान मतलब जो ऑलरेडी उसके पास पहले से ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज है, उससे वो जोड़कर नवीन सूचनाओं को प्राप्त करता है। तो जब भी बच्चा कोई भी चीज को सीखता हो तो उसे टीचर को चाहिए कि वो उसे पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही नवीन ज्ञान दे। तो उससे उसका ज्ञान क्या होता है, स्थायी होता है और बच्चा उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी लेता है सीखने में। तो इस आधार पर जो आंसर इसका होगा वो डी आंसर इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं 8 नंबर सवाल। 8 नंबर सवाल करेंगे कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यानी कि कोई भी ऐसा परिस्थिति जो पहले उसके साथ घटित हो चुका हो उससे, उसी के आधार पर वो नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है या किससे संबंधित है। तो सेम चीजें हैं, पहले यानी अतीत उसके पहले हुआ होगा यानी पूर्व में जो हुआ होगा और अभी जो वर्तमान में हो रहा है। तो ये वर्तमान, तो वर्तमान के चीजों को वो पहले वाले चीजों से जोड़ रहा है। तो वो क्या कर रहा है, पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही नवीन ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो ये जो मतलब एक दूसरे से जो कनेक्ट कर रहा है उसका नाम है सदृश्यता। सदृश्यता मतलब क्या होता है कि जोड़ देना, किसी को आपस में जोड़ देना या फिर उसी के जैसा होना, समानता होना। तो सीखने के तत्परता नियम गलत होगा, सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम गलत होगा, सीखने की सादृश्यता ये सही है, जबकि सीखने का प्रभाव भी इस आधार पर जो है ये ऑप्शन गलत है। तो सादृश्यता मतलब होता है मिलती जुलती समस्या, जो समस्या पहले था वही समस्या से जुड़ा हुआ कोई नया समस्या हो। तो इस आधार पर आंसर जो होगा यह सी हो जाएगा। तो इसका आंसर सी होगा। यदि आप लोग को ये सभी सवाल का पीडीएफ चाहिए तो छोटा नागपुर आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, आप लोग को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलेंगे 9th नंबर सवाल पे। 9th नंबर सवाल हम लोग करेंगे कि नकारात्मक पुनर्बलन किससे संबंधित है। रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन दो प्रकार का होता है, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन और एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। नकारात्मक पुनर्बलन और सकारात्मक पुनर्बलन किसको कहते हैं। तो बच्चा को अगर आप बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा किया, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, यह सकारात्मक है, जबकि नकारात्मक मतलब होता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ऐसे ही हो, तो ये नकारात्मक होता है। तो नकारात्मक पुनर्बलन भी कभी कभी बच्चों के लाइफ में अच्छा करता है। अगर आप बच्चे को हमेशा खराब बोलते जाएंगे तो बच्चा गुस्सा से कुछ अच्छा कर लेगा। तो नकारात्मक पुनर्बलन क्या कह रहा है कि अवांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, वांछनीय व्यवहार कम करता है। अवांछनीय मतलब होता है जो जरूरी नहीं हो, यानी कि खराब की जो आदतें होती है उसे अवांछनीय कहा जाता है। वांछनीय व्यवहार को कम करता है, अवांछनीय व्यवहार को कम करता है और वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है। तो अगर बच्चा गलत काम कर रहा हो और उसको आप रोकने का कोशिश बार बार करेंगे, उसको बार बार आप सुनाते रहेंगे, तो बच्चा हो सकता है कि अपने आप में सुधार कर ले। तो अवांछनीय व्यवहार को वो क्या करता है, तो कम करता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। आगे हम लोग करेंगे 10 नंबर सवाल।
दस नंबर सवाल, हम लोग इससे जुड़ा हुआ अभी थोड़े देर पहले सवाल किए हैं, उसी से जुड़ा हुआ है, बस ध्यान रखना है कि ये किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा हुआ सवाल है। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए, क्वेश्चन को समझेंगे, बच्चों फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार, हिंसात्मक व्यवहार मतलब होता है कि वैसा फिल्म जिसमें मार काट ये सब जो हो रहा हो, मारने वारने वाला, वैसा फिल्म, हिंसात्मक व्यवहार को बच्चा सीख सकता है, यानी बच्चा फिल्म देखकर आया और वैसा ही व्यवहार कर रहा है। यह निष्कर्ष निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो अभी जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे एक बंडूरा के अनुसार, तो बंडूरा के अनुसार क्या बताए थे कि किसी भी चीजों का प्रतिरूप हो या तो मॉडल हो, प्रतिरूप हो या मॉडल हो, तो जो बच्चे को मॉडल दिखाया जाएगा बच्चा वैसा ही व्यवहार करेगा। तो वैसा जो बच्चा व्यवहार कर रहा है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे। और सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। चलेंगे 11 नंबर सवाल, देखिए, सार्थक अधिगम है, अधिगम भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सार्थक, एक होता है निरर्थक। हम सीखते हैं तो जो ज्ञान हमारे पास स्थाई है वो तो सार्थक है, जबकि जो ज्ञान अस्थाई है वो निरर्थक है, सीखे लेकिन वो ज्ञान हमारे पास नहीं रहा। तो सार्थक अधिगम है जो हमारे पास ऑलरेडी है, निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। दूसरा है, ध्यान रखेंगे, एक तो दिया है निजी अनुभव, दूसरा दिया है सक्रिय निर्माण, ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण। तो दो पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है, निजी अनुभव यानी कि अपना पर्सनली लाइफ से जोड़ना, और सक्रिय मतलब कि उसके प्रति थोड़ा ज्यादा सचेत होना, उसके बारे में एक्टिव ज्यादा होना, एक्टिविटी ज्यादा करना। दी गई सूचनाओं का निष्कर्ष ग्रहण करना, यानी जो सूचना दी गई हो उसका जो भी निष्कर्ष है उसको हम ग्रहण किए। तो ये जरूरी नहीं है कि कोई अगर सूचना दिया हुआ हो तो उसका निष्कर्ष को ग्रहण करे तो हम उसको सार्थक अधिगम मान ही लेंगे, सूचना वैसे भी अच्छा पॉइंट नहीं माना जाता। वयस्कों और अधिक सक्षम साथियों का अनुकरण करना, जो हमसे बड़े हैं और जो हमारे सक्षम के साथी हैं, अगर उनका हम अनुकरण करते हैं तो क्या वो हमारा सार्थक अधिगम होगा? कोई जरूरी नहीं है कि हम दूसरे का अनुकरण करेंगे तो वो हमारा सार्थक अधिगम हो ही जाएगा। दूसरा है कि उद्दीपन तथा उत्तर के बीच, उद्दीपक तथा उत्तर के बीच युग्मक तथा साहचर्य, यानी कि एक उद्दीपन है और दूसरा अनुक्रिया है के बीच में जो साहचर्य है, जो संबंध है, तो यह भी सार्थक अधिगम से जुड़ा हुआ जरूरी नहीं है, क्योंकि उद्दीपन अनुक्रिया भी निरर्थक भी हो सकता है, तो यह भी गलत है। तो आंसर इसका जो है वो क्या होगा? ए, क्योंकि निजी अनुभवों से ज्ञान की संरचनाओं का सक्रिय निर्माण करना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ए, क्योंकि यहां पर निजी अनुभव दिया है, तो कोई भी चीज को हम अपने अनुभव से, बच्चों को निजी अनुभव से जोड़कर ही सिखाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ए। चलेंगे 12 नंबर सवाल, चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं। बच्चे सीखने के लिए स्वयं अपनी युक्तियां बना लेते हैं इस संदर्भ में शिक्षक को, यानी कि बच्चा जब सीख रहा होता है तो सीखने के लिए वो कोई भी नियम, कोई भी मानक, कोई भी समाधान वो बच्चा स्वयं बना लेता है कि हमको ऐसे सीखना है, ऐसे सीखना है। तो इस संदर्भ में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों की युक्तियों को समझना तथा उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना चाहिए, यानी कि बच्चों को जो युक्ति है उसको समझना चाहिए और उनके साथ उस पर चर्चा करनी चाहिए, वाद विवाद करनी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। दूसरा, बच्चों को ऐसा ना करने के लिए एक लंबा भाषण देना चाहिए। तो क्या बच्चों को हम करने के लिए रोकेंगे? नहीं। और भाषण देना ऐसे भी आंसर गलत होता है, हमें बच्चों के सामने भाषण देने की जरूरत नहीं है, बी वाले तो आंसर गलत हुआ। तीसरा, बच्चों की युक्तियों पर ध्यान ना देकर अपनी बनाई गई पाठ्य योजना को पूरा करना चाहिए। हमें शिक्षा हमारे यहाँ का बाल केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड है, तो जब बाल केंद्रित शिक्षा है तो हम बच्चों का कोई भी चीज होगा तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हम बच्चों को महत्व देंगे। तो बच्चों को युक्तियों पर ध्यान ना देना यह तो गलत हो गया, गलत हो जाएगा। तीसरा, पाठ्य पुस्तक में लिखित प्रक्रिया को कड़ाई से पालन करने के लिए बच्चों को प्रेरित करनी चाहिए। तो यहाँ
यहाँ भी एक नेगेटिव वर्ड हो गया, कड़ाई से पालन करना, हमें कड़ाई से पालन नहीं करना है, और आंसर क्या हो गया, डी भी गलत। तो बच गया क्या कि बच्चों की युक्तियों को समझना चाहिए और उनके साथ उन पर चर्चा और संवाद स्थापित करना चाहिए। जब आप करेंगे तो बच्चा थोड़ा मोटिवेट होगा कि हाँ मेरी बात को माना जा रहा है और टीचर हमारे बात को ही महत्व दे रहे हैं। तो इस आधार पर बच्चों के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिव सोच बढ़ जाएगा और बच्चे करने के लिए प्रेरित होंगे। तो आंसर हो जाएगा 12 का ए। चलते हैं 13 नंबर सवाल। अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है, ठीक है ना, नहीं बनाता है। ऑप्शन यानी कि नेगेटिव वर्ड को ढूंढना है। पहला क्या है ऑप्शन, तो ऐसे भी जब आप पिछले वाला वीडियो देखे होंगे तो कई सारे हम लोग वीडियो को कर चुके हैं, कितने सारे सवाल को किए हैं, तो उससे आपको कुछ कुछ चीजें पता भी हो गया होगा कि कौन से ऑप्शन पॉजिटिव होता है और कौन सा ऑप्शन नेगेटिव होता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि विषय वस्तु की केवल याद के आधार पर पुनरावृत्ति, बच्चों ने किसी विषय वस्तु को कितना याद करके आया है, कितना रट के आया है, इसका हम रिविजन करें, पुनरावृत्ति करें, तो ये ऑप्शन हमें यहीं पर गलत मिल गया, क्योंकि इसमें दो पॉइंट दिया हुआ है। एक तो दिया हुआ है केवल और दूसरा दिया है याद। केवल भी नेगेटिव है, याद करना भी नेगेटिव है, तो ऑप्शन तो हमको यहीं पे मिल गया। दूसरा है ऑप्शन कि विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये तो अच्छी बात है। यहां पे नहीं पूछ रहा है ना कि नहीं बनाता है, तो नहीं मतलब रोक रहा है, वो बनाने से रोक रहा है, जबकि ये तो रोक नहीं रहा है। सही है, प्रश्न बनाना अच्छी बात है, बच्चों का सोच बढ़ेगा, बच्चों का समझ बढ़ेगा, बच्चों को ज्ञान बढ़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रश्न बनाने से निर्मित होंगे। दूसरा, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद करना, अगर कोई भी विषय वस्तु हो उस पे हम परिचर्चा करें, डिस्कशन करें, तो ये भी तो सही है। डी है प्रकरण पर प्रस्तुतीकरण, यानी कि जो भी विषय वस्तु है उसको प्रस्तुत करना, ये भी सही है, क्योंकि बच्चा प्रस्तुत तभी करेगा जब उसके बारे में वो अच्छा खासा नॉलेज रखता होगा, तो ये भी सही है। तो गलत क्या है, ए, तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछ रहा नेगेटिव, तो नेगेटिव यही वाला ऑप्शन है, तो इसका सवाल का जो जवाब होगा वो आंसर हो जाएगा ए। ए गलत है, इसलिए आंसर ए सही होगा। चलेंगे आगे हम लोग करते हैं 14 नंबर सवाल। आंशिक पुनर्बलन क्या कह रहा है कि आंशिक पुनर्बलन, यहां बलन होगा, आंशिक पुनर्बलन क्या है इन चारों में से, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, जो बच्चों को लगातार पुनर्बलन किया जाता है उससे कम प्रभावी होता है। दूसरा, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तीसरा, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। और चौथा, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, आंशिक पुनर्बलन में पशु को तो पुनर्बलित किया ही नहीं जाता, तो आंसर तो सी गलत हो गया। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा, हो सकता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, यह भी गलत है, क्योंकि वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, अगर कोई भी कक्षा हो तो हम बच्चे को वहां पे पुनर्बलित कर सकते हैं, चाहे वो ज्यादा करे चाहे वो कम करे, किया जा सकता है, तो दो तो गलत हुआ। अब आंशिक पुनर्बलन मतलब होता है कि बच्चे को हम थोड़ा सा पुनर्बलित कर रहे हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन दे रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा जो पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगर आप बच्चे को डेली वाह वाह करते रहेंगे, बच्चे को डेली टॉफी देते रहेंगे, तो वो बच्चे का हैबिट हो जाएगा, वो जानेगा कि हम ये काम कर लेते हैं तो हमको ऐसा होता है, तो वो नहीं भी करेगा, केवल वो तारीफ सुनना चाहेगा। लेकिन कभी कभी बच्चे को आप पुनर्बलन करेंगे तो वो डेली करने की अपेक्षा ज्यादा प्रभावी होगा बच्चों के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। तारीफ भी किसी को डेली नहीं करना चाहिए, कभी कभी कीजिए तो वो उसके लाइफ के लिए अच्छा होगा, अगर डेली करेंगे तो वो तो उसका आदत हो जाएगा तारीफ सुनने का। तो यही चीज है कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, नहीं, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, तो आंसर इसका बी सही होगा। चलेंगे आगे हम लोग 15 नंबर सवाल करते हैं। चलिए 15 नंबर सवाल है कि विद्यार्थी
विद्यार्थी फैशन शो को देखकर, ये भी हम लोग सवाल किए हैं, बस क्वेश्चन खाली चेंज है, बाकी सवाल सेम है, आंसर सेम है। फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है? यहाँ पर क्या है? फैशन शो, और फैशन शो को ही हम क्या कहते हैं? मॉडल्स। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, तो ये मॉडल या फिर प्रतिरूपण का बात बंडूरा ने किए हैं, और बंडूरा का सिद्धांत का नाम क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, जो बेंडुरा के द्वारा दिया गया है। चलेंगे आगे, 16 नंबर सवाल। 16 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों की त्रुटियां के संबंध में सबसे उपयुक्त है? बच्चों की त्रुटियां के संबंध में सबसे उपयुक्त है। पहला है, गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए। दूसरा है, बच्चों की गलतियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उन्हें कठोर दंड दिया जाना चाहिए। बच्चे को कठोर दंड नहीं दिया जाएगा, इसलिए बी ऑप्शन क्या है? गलत है। बच्चे गलतियां करते हैं क्योंकि उनमें विचार करने की क्षमता नहीं होती। ऐसा भी नहीं बोल सकते कि बच्चे में विचार करने की क्षमता नहीं होती, जिसके पास भाषा है वो विचार भी कर सकता है। बच्चे की गलतियां एक खिड़की के समान होती है और यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार सोचते हैं। हाँ, ये हो सकता है, पहला पढ़ लेते हैं, कि गलतियों से बचने के लिए बच्चों को शिक्षा का अनुकरण, शिक्षक हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, शिक्षा का अनुकरण करना चाहिए। तो गलती से बचने के लिए शिक्षा का अनुकरण बच्चा करेगा तो क्या उसके अंदर गलती जो करता वो समाप्त हो जाएगा? नहीं। लेकिन बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान, खिड़की खुला होता है, ठीक है ना, तो खिड़की के समान मतलब खुला हुआ होता है यह जानने के लिए कि वह किस प्रकार सोचते हैं। अगर बच्चा गलती नहीं करेगा तो वो सही भी नहीं करेगा। तो बच्चे को समझने के लिए, बच्चे को जानने के लिए उसको गलती को जानना जरूरी है, और बच्चा गलती जितना करेगा उतना ज्यादा सीखेगा। तो बच्चों की गलतियां एक खिड़की के समान है, यानी खुला है, खिड़की का समान नेगेटिव वर्ड नहीं है, खुला हुआ है। आप उसको देखिए कि बच्चा कितना सोच रहा है, कितना चिंतन कर रहा है, या फिर कितना वो समस्या का समाधान कर रहा है। तो इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर सही हो जाएगा। चलते हैं 17 नंबर सवाल। उपयोग एवं अनुपयोग के नियम किसके अंग माने जाते हैं? थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम बताए हैं 3, जबकि गौण नियम बताए हैं 5। तो मुख्य नियम में, जो मुख्य नियम है उसमें से एक है अभ्यास का नियम, दूसरा है तत्परता का नियम, और तीसरा प्रभाव का नियम। पुनर्बलन का नियम इन्होंने नहीं दिए हैं, तो आंसर यही तीनों में से कोई होगा। अब उपयोग एवं अनुपयोग का नियम किसके अंग है? तो जब हम कोई भी चीज को पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हम बच्चों से प्रैक्टिस करवाते हैं या तो नहीं करवाते हैं। जब हम प्रैक्टिस करवाते हैं तो उपयोग, और नहीं प्रैक्टिस करवाएंगे तो अनुपयोग। ये दोनों का दोनों किसका नियम माना जाता है? तो अभ्यास का नियम का। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, अभ्यास का नियम। जबकि प्रभाव के नियम के भी दो अंग हैं, एक है संतोष का नियम और दूसरा है असंतोष का नियम। तो यही सवाल रहता, संतोष एवं असंतोष के नियम किसके अंग माने जाते हैं? तो आंसर हो जाता प्रभाव का नियम। जबकि उपयोग एवं अनुपयोग किसके अंग है? तो अभ्यास के नियम का। तो आंसर इसका ए सही है। चलिए 18 नंबर सवाल और 19 नंबर सवाल दोनों हम लोग एक साथ करते हैं। 18 नंबर सवाल कह रहा है कि जब एक परिस्थिति में प्राप्त अधिगम का प्रयोग अन्य परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह क्या कहलाता है? यानी कि जब कोई भी एक परिस्थिति में जो हम सीखे हैं, जो अधिगम हम प्राप्त किए हैं, उसका यानी वही अधिगम किसी दूसरे परिस्थिति में कठिनाई उत्पन्न करे तो वह क्या कहलाएगा? एक को हम सीखे, वो दूसरे जगह प्रॉब्लम पहुंचा रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अधिगम का सामान्य स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का स्वतंत्र पूर्वक स्थानांतरण, और अधिगम का नकारात्मक। तो एक जगह का सीखा हुआ दूसरे जगह प्रॉब्लम कर रहा है, तो यह अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि एक जगह तो ठीक है लेकिन दूसरे जगह नुकसान पहुंचा रहा है, तो वो नेगेटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है। यानी सीखो तो वो हर जगह काम आ जाए, हर जगह प्रयोग हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर ज्ञान हर जगह प्रयोग हो ही जाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, नकारात्मक स्थानांतरण। हुआ तो स्थानांतरण लेकिन नेगेटिव है। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं। 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक है। अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत यानी पर्सनली कारक, मान लो हम सीख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, तो आपको सीखने को प्रभावित करने वाला जो कारक है वो इनमें से कौन सा है? तो संचार का साधन। क्या संचार केवल एक ही लोगों को प्रभावित करता है? नहीं, सबको करता है, तो ये व्यक्तिगत तो नहीं है, सामूहिक है। अध्यापक भी केवल एक को नहीं बल्कि कई लोगों को प्रभावित करता है, तो ये भी सामूहिक है। परिपक्वता एवं आयु सबका अलग अलग होता है, सबका उम्र सबका परिपक्वता एक जैसा नहीं होता, तो ये हो सकता है। और समवयस्क समूह, जब समूह है तो ये व्यक्तिगत कैसे होगा, ये सामूहिक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, परिपक्वता। क्योंकि हम जैसा परिपक्व हैं या जितना मेरा एज है उस आधार पर जैसे हम सीख सकते हैं, उतना ही दूसरे कोई का जैसा उम्र होगा, जैसा परिपक्व होगा, वो उस तरीके से सीखेगा। तो ये परिपक्वता एवं आयु जो है ये पर्सनली होता है, सबका अलग अलग होता है, तो आंसर इसका सी सही है। चलेंगे 20 नंबर सवाल। 20 नंबर सवाल है कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है। एक शिक्षिका है जो किसी पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए, जो पाठ पहले पढ़ चुका है उससे जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? यानी शिक्षिका क्या कर रही है? वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है? नहीं, स्मरण मतलब होता है याद करना, याद करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है, गलत है। वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य पुस्तक के महत्व को पुनर्बलित कर रही है? नहीं, ऐसा भी नहीं है कि वह एक पाठ से जोड़कर दूसरे को पुनर्बलित कर रही है। तीसरा, वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित कर रही है। स्वशैली यानी कि बच्चों को पढ़ने का स्टाइल, तो यह हो सकता है। तीसरा, चौथा है कि वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्यवस्तु को पूर्ण रूप से ना पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है, तो ये नहीं पढ़ने के लिए थोड़ी ना बता रही है, तो आंसर ये भी गलत है। तो आंसर बच के आ गया सी, तो आंसर सी सही है, क्योंकि एक पाठ को दूसरे पाठ से जोड़कर पढ़ने के लिए सिखा रही है, तो वो पढ़ने का स्टाइल विकसित कर रही है कि तुम ऐसे पढ़ो ताकि जो भी ज्ञान हो वो पूर्व ज्ञान से जुड़ जाए और नया ज्ञान को प्राप्त करने में आसानी हो जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही है। चलते हैं आगे 21 नंबर सवाल और 22 नंबर सवाल, दोनों देखते हैं, दोनों दिख रहा है आपको। चलिए, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, मैकडूगल को छोड़कर, ये मैकडूगल को छोड़ दिया जाए तो ये मूल प्रवृत्ति के बारे में बताए हैं, लेकिन ये तीनों मनोवैज्ञानिक है, थॉर्नडाइक, स्किनर और वाटसन, इन तीनों को व्यवहारवादी में काउंट किया जाता है। अब ये व्यवहारवादी में सबसे बड़ा व्यवहारवादी कौन है? तो जेवी वाटसन। तो जेवी वाटसन सबसे बड़े व्यवहारवादी माने जाते हैं, जिन्होंने अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिए थे और अपने ही बच्चों पर इन्होंने प्रयोग किए थे, और इन्होंने बताए थे कि एक बच्चा को हम जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं, हमको जो किसी का बच्चा दिया जाए हम जो चाहे बना सकते हैं, ये वाटसन ने कहे थे। तो इसीलिए वाटसन को व्यवहारवादी का सबसे बड़ा जनक यानी कि जनक या सबसे बड़ा व्यवहारवादी कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में आप किसे नहीं अपनाएंगे? आप एक सफल अध्यापक हैं तो आप किसको नहीं अपनाएंगे? चार ऑप्शन में से, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया मतलब होता है कि किसी भी बड़े समस्या को छोटे छोटे खंडों में तोड़कर समाधान करना, तो इसको तो अपनाएंगे, ये तो सही है। सादृश्यता का नियम, एक चीज को दूसरे चीज से जोड़कर पढ़ाना, ये भी अपनाएंगे। तत्परता का नियम यानी बच्चों को पढ़ने के लिए पहले पूर्ण रूप से तैयार कर लेना, इसको भी अपनाएंगे। और प्रलोभन मतलब होता है लालच, यानी कि लालच प्रलोभन का नियम को नहीं अपनाएंगे कि हम पढ़ा रहे तो हमको इतना मिले, ये चीज मिले, वो चीज मिले, तो उसके लिए ही हम केवल शिक्षा देंगे, नहीं, तो इसको हम नहीं अपनाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी, क्या नहीं अपनाएंगे, किसे नहीं अपनाएंगे, तो प्रलोभन को नहीं अपनाएंगे, तो आंसर होगा इसका डी। चलते हैं आगे 23 नंबर सवाल।
23 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? यह सतत और व्यापक मूल्यांकन से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यहाँ पे पूछा है, जिसमें उसके दो पक्ष बताए गए हैं, एक योगात्मक और दूसरा रचनात्मक। तो योगात्मक मूल्यांकन जो है वो लास्ट ईयर में लिया जाता है, यानी कि साल के अंत में या तो 6 महीना के अंत में, दो ही बार होता है। और रचनात्मक मूल्यांकन का कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं होता, कोई स्थान फिक्स नहीं होता, वो कभी भी हो सकता है। तो जब कभी भी हो सकता है, तो ये तो सवाल रचनात्मक से नहीं है, योगात्मक से है, समेटिव असेसमेंट से है। अब ये समेटिव असेसमेंट वर्ष के अंत में होता है। ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे है। अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, नहीं, शिक्षा सामग्री के आण्विक विश्लेषण पर केंद्रित होना, शिक्षार्थी की उपलब्धि का लगातार व्यवस्थित आकलन करना, नहीं, सत्र के अंत में, हाँ आगे यहाँ पे सत्र के अंत यानी सेशन के लास्ट में, चाहे वो 6 मंथ का हो या तो 1 ईयर का हो, तो जो अंत में जो शिक्षार्थी का प्रदर्शन जो किया जाएगा उसी को हम सम्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा इसका भी डी। चलते हैं 24 नंबर सवाल है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है? ऐसा कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने बोले हैं कि अगर आप सीख रहे हैं इसका अर्थ है कि आप ज्ञान निर्माण कर रहे हैं। तो ज्ञान का निर्माण किसके अनुसार किया जाता है? तो थॉर्नडाइक के अनुसार। ज्ञान, ज्ञान मतलब होता है, ज्ञान जो बताए हैं वो मानसिक से ग्रहण किया जाता है, बौद्धिक विकास से ग्रहण किया जाता है, और मानसिक विकास को इन्होंने संज्ञानात्मक शब्द में परिभाषित किए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आजे बी। आगे हम लोग चलेंगे 25 नंबर सवाल, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, कोई एक बच्चा है जो अपना मातृभाषा सीख रहा है, जबकि दूसरा बच्चा वही द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है, यानी दो बच्चा है, दोनों एक ही लैंग्वेज सीख रहे हैं, एक सीख रहा है मातृभाषा के रूप में, एक भाषा सीख रहा है द्वितीय भाषा के रूप में, दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकता है? यानी कि दोनों के विकास में क्या होंगे? भिन्नता होंगे, दोनों के विकास में गलतियां होंगे, जो भी होगा सो। तो आंसर क्या हो जाएगा? विकासात्मक। एक बच्चा मातृभाषा, दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा, तो दोनों के विकासात्मक में अंतर होगा। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। आगे चलेंगे 26 नंबर सवाल है कि अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? कोई भी चीज को बच्चा सीख रहा है तो सीखने के क्रम में बच्चा पहले क्या करेगा? ठीक है ना, आत्मसात करेगा, व्यवस्थापन मतलब एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित करेगा, संशोधन यानी उसमें परिवर्तन करेगा, और मूल्यांकन यानी उसमें जांच पड़ताल करेगा। तो पहले वो क्या करेगा? जब वो अधिगम करेगा तो सीखा हुआ चीज को वो पहले ग्रहण करेगा, आत्मसात करेगा, तो आत्मसात करेगा, फिर वो दूसरे जगह विस्थापित करेगा यानी दूसरों को सिखाएगा, फिर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करेगा, और फिर लास्ट में उसका जांच पड़ताल करेगा। तो पहले वो क्या करेगा? आत्मसात करेगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि बालक पहले क्या करेगा, तो पहले वह आत्मसात करेगा। तो आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं हम लोग 27 नंबर सवाल है कि बालक उसी समय सीखेगा जब वह सीखने हेतु तत्पर हो। सही है, क्योंकि बच्चा तभी सीखेगा जब वो सीखने के लिए रेडी हो, तैयार हो, अर्थात उसकी परिपक्वता इतनी होगी कि वह कोई भी कौशल हो अथवा संकल्पना को सीखे। यह प्रत्यय थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है? इतना लंबा क्वेश्चन बन गया है, लेकिन आपका आंसर शायद यही मिल गया होगा कि बच्चा तभी सीखता है जब सीखने के लिए तत्पर हो, तो वह किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ यानी किस नियम से है? तो तत्परता का नियम से। तो आंसर हो जाएगा इसका ए, तत्परता का नियम। चलिए 28 नंबर सवाल देखेंगे। 28 नंबर सवाल है कि कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? कक्षा कक्ष अधिगम के लिए, यहाँ पे ये
संयोगी छा होगा। कक्षा कक्ष अधिगम के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जा सकता है? तो प्रयत्न एवं त्रुटि विधि का। प्रयास करो भूल जाओ, फिर प्रयास करो भूल जाओ, प्रयास करो भूल जाओ, और फिर उसी तरीके से एक बार सीख जाओ। वाद विवाद यानी डिस्कशन, और अवलोकन, अवलोकन मतलब ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसके माध्यम से सीखेंगे। तो ये तीनों सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही होगा। तो डी इसका आंसर सही है। 29 नंबर सवाल है, चलिए 29 नंबर है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले दशाओं में से कौन सी नहीं है, कौन सी ऐसी कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता है। परिपक्वता तो करेगा, अब जैसे जैसे परिपक्व होते जाएंगे वैसे वैसे सीखेंगे। एक छोटा बच्चा और एक जैसे 2 साल का बालक और एक 25 साल का व्यक्ति, एक 65 साल का व्यक्ति में ज्ञान का अंतर होगा, क्योंकि वो परिपक्व अलग अलग तरीके से हैं। तो परिपक्वता तो है। लंबाई, अगर किसी का हाइट 4 फीट है, चाहे किसी का हाइट 5 फीट है या 10 फीट है, तो उसको सीखने से क्या मतलब है? तो ये प्रभावित नहीं करेगा। प्रेरणा तो करेगा और उचित वातावरण भी करेगा, तो वातावरण जैसा होगा वैसा सीखेगा। तो कौन सा नहीं कर रहा है? व्यक्ति की लंबाई। लंबाई को सीखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। चलते हैं 30 नंबर सवाल। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता। तो सीखना व्यवहार का अध्ययन है, व्यवहार का अध्ययन नहीं होता है, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, ठीक है ना। तो व्यवहार में परिवर्तन सीखना, तो ऑप्शन तो ये गलत हो गया, नहीं पूछ रहा ना, नहीं। तो आंसर हम लोग ए ही देख लिए, ए वाला आंसर इसका होगा। सीखना कुछ ऐसी चीज है जो अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होता है, यानी कि सीखना अनुभवों का संगठन है, ये सही है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, यानी सीखना सही है, व्यवहार में मध्यस्थता करती है। और अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। अन अधिगम मतलब होता है कि जो हम सीखे हैं लेकिन उसको हम भूल चुके हैं, तो यह क्या है? अधिगम का एक हिस्सा है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अन अधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, तो जो चीज हम पहले सीखे हैं लेकिन भूल गए हैं वो अन अधिगम कहलाता है, तो ये भी अधिगम का एक हिस्सा है। तो व्यवहार का अध्ययन सीखना नहीं होता, व्यवहार में परिवर्तन सीखना होता है। तो व्यवहार में परिवर्तन, और कैसा परिवर्तन? तो अस्थाई परिवर्तन। तो ये ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ए। तो आज हम लोग यही तक इसको करते हैं, और देखेंगे नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर से सवाल।